हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे एक और न्यू वीडियो में तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम माइन गैसेस और गैस टेस्टिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन करेंगे माइन गैसेस वेंटिलेशन गैस टेस्टिंग का एक सेपरेट चैप्टर होता है माइनिंग में इसका वेटेज काफ़ी ज़्यादा होता है तो दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी यूजफुल होगा आपके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें तो चलिए शुरू करते हैं तो दोस्तों अगर पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन व्हाट इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन टू बी रिक्वायर्ड एट एनी रिक्वास इन साइड टू वर्क एंड मेक मूवमेंट यानी दोस्तों अगर किसी भी माइंड में अगर वर्कर्स काम कर रहे हैं ठीक है तो या उनका मूवमेंट हो रहा है तो दोस्तों उस माइंस में कितना मिनिमम परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होता है तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं इसका आंसर सोचिए तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 19 परसेंट ठीक है दोस्तों 19 परसेंट जो है वो मिनिमम ऑक्सीजन परसेंटेज चाहिए किसी भी माइंस में अगर वहां परसन काम कर रहे हैं ठीक है ये दोस्तों माइनिंग लॉ में इंक्लूडेड है कि इंडिया में नाइनटीन मिनिमम ऑक्सीजन का परसेंटेज होना चाहिए ठीक है तो ये था पहला क्वेश्चन अब दोस्तों बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर तो जो सेकंड क्वेश्चन है वो है कि स्टिंग डैम्प इज रिलेटेड टू विच कंपाउंड स्टिंग डैम्प दोस्तों आपने सुना होगा स्टिंग श्टिं, डैम्प वर्ड तो स्टिंग डैम्प किस कंपाउंड से रिलेटेड है तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हाइड्रोजन सल्फाइड ठीक है जिसको हम H2S बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड को दोस्तों हम स्टिंग डैम्प बोलते हैं और दोस्तों अगर इसके स्मेल की बात करें तो इसका स्मेल होता है रोटेन एग यानी सड़ा हुआ अंडा उसके जैसा इसका स्मेल होता है दोस्तों और इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा एच टू एस ठीक है आपको ये याद रखना है स्टिंग डैम्प इज रिलेटेड टू एच टू एस हाइड्रोजन सल्फाइड ठीक है वो किस चीज से बना हुआ होता है तो दोस्तों वीडियो पॉज करके आप इसका आंसर सोचिए तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा मीथेन यानी सी तो दोस्तों सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा सी एच फोर को जनरली हम दोस्तों फायर डैम बोलते हैं या मैकेनिकल uh, मिक्सचर जो होता है गैसेस का ठीक है जिसमें मोस्ट पार्ट मिथेन का रहता है उसको दोस्तों हम फायर डैम बोलते हैं ठीक है स्टिंग डैम दोस्तों हम हाइड्रोजन सल्फाइड को बोलते हैं और फायर डैम हम मिथेन को बोलते हैं यानी सीएच फोर ठीक है अब बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एट वाट परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड सेफ्टी लैम्प बिगिंस टू डाई डाउन ठीक है यानी दोस्तों कितने परसेंटेज में जो सेफ्टी लैंप है वो हमारा बुझना स्टार्ट हो जाता है तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा थ्री टू फोर परसेंट यानी दोस्तों थ्री टू फोर परसेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में जो हमारा सेफ्टी लैंप होता है वो बुझना स्टार्ट हो जाता है ठीक है आपको ये सारी बात याद रखना दोस्तों थ्री टू फोर परसेंट में जो हमारा सेफ्टी लैंप होगा थ्री टू फोर परसेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में जो हमारा सेफ्टी लैंप होगा वो बुझना स्टार्ट हो जाएगा ठीक है दोस्तों अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों मिथेन कैन फॉर्म अ लेयर अलोंग द फ्लोर ऑफ द वर्किंग्स इफ द डेंसिटी ऑफ द गैस मिक्सचर इज मोर देन ठीक है तो दोस्तों मिथेन जनरली रूफ में पाया जाता है तो किस डेंसिटी में दोस्तों मिथेन uh, का कि, किस डेंसिटी में जो मिक्सचर का डेंसिटी होगा अगर वो फ्लोर में पाया जाएगा तो, तो आप वीडियो पॉज करके इसका आंसर सोचिए तो दोस्तों मीथेन का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है वो जीरो पॉइंट फाइव फाइव थ्री होता है वन से कम होता है तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा वन परसेंट ठीक है दोस्तों अगर वन परसेंट से ज्यादा होगा तभी वो फ्लोर में पाया जाएगा वरना दोस्तों वो रूफ में पाया जाता है ठीक है आपको ये वैल्यू याद रखना वन परसेंट होगा तब वो फ्लोर में पाया जाएगा वन परसेंट या उससे ज्यादा ठीक है दोस्तों अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ एयर करेंट वेन द वेट बल्ब टेम्परेचर एक्सीड्स थर्टी पॉइंट फाइव डिग्री सेल्सियस ठीक है तो दोस्तों नॉर्मली जो वेट बल्ब का टेम्परेचर होता है वह थर्टी थ्री पॉइंट फाइव डिग्री सेल्सियस से ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए ठीक है जनरली जो वेट बल्ब का टेम्परेचर होता है वो थर्टी थ्री पॉइंट फाइव डिग्री सेल्सियस से ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए ठीक है दोस्तों और अगर आ, अगर वो 30.5 डिग्री से ज्यादा एक्सीड कर जाता है किसी प्लेस पर तो दोस्तों जो एयर करंट है वो वन मीटर पर सेकेंड से ज्यादा होना चाहिए ठीक है तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा वन मीटर पर सेकेंड ठीक है वन मीटर पर सेकेंड से ज्यादा इसका स्पीड होना चाहिए दोस्तों एयर करेंट का अगर किसी प्लेस पर थर्टी डिग्री से ज्यादा एक्सीड कर जाए तो और जनरली 33.5 डिग्री से ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए तो ये दोस्तों ये दोस्तों आपको तीनों वैल्यू याद रखना है 30.5 डिग्री सेल्सियस भी और 33.5 डिग्री सेल्सियस भी और 1 मीटर पर सेकेंड भी ठीक है अब दोस्तों की और, तो दोस्तों, दोस्तों, वेन कार्बन डाइऑक्साइड कोल, कोल से इमिट होगा तो परसेंटेज सीओ का कितना होना चाहिए ताकि वो वन परसेंट ऑफ ओ टू डिफिशियंसी क्रिएट करे ठीक है यानी दोस्तों सीओ टू का कितना परसेंटेज होना चाहिए ताकि वो वन परसेंट ऑफ ओटो डिफिशियंसी क्रिएट करे अगर कार्बन डाइऑक्साइड कोल से इमिट हो रहा है तो ठीक है वीडियो पॉज करें इसका आंसर सोचिए तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा फाइव परसेंट ठीक है फाइव परसेंट जो सीओ टू है दोस्तों वो वन परसेंट ऑफ ओटो डिफिशियंसी क्रिएट करता है फाइव परसेंट सीओ टू वन परसेंट ऑफ ओटो डिफिशियंसी क्रिएट करता है आप दोस्तों इसको यूनिटी मेथड से भी निकाल सकते हैं यानी अगर एटमॉस्फेयर में फाइव परसेंट सी ओ टू है दोस्तों यानी नाइन्टी फाइव परसेंट जो रिमेनिंग होगा एयर होगा ठीक है तो हंड्रेड परसेंट एयर में ट्वेंटी पॉइंट नाइन थ्री परसेंट ऑफ ऑक्सीजन होता है तो नाइन्टी फाइव परसेंट में ट्वेंटी पॉइंट नाइन्टी थ्री इंटू नाइन्टी फाइव बाई हंड्रेड यानी नाइनटीन पॉइंट नाइन फाइव परसेंट ऑफ ओ टू होगा ठीक है दोस्तों यानी वन परसेंट का डिफिशियंसी होगा ठीक है आप यूनिटी मेथड से भी इसे निकाल सकते हैं अब बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर तो नेक्स्ट क्वेश्चन है टू मेक इट एन एक्सप्लोसिव इन विच रेंज ऑफ मिथेन एयर मिक्सचर मीथेन एयर मिक्सचर फॉल्स ठीक है यानी दोस्तों एयर मिक्सचर का क्या रेंज होना चाहिए ताकि वो एक्सप्लोसिव के फॉर्म ले सके ठीक है तो वीडियो को पॉज कर इसका आंसर सोचिए तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 5.4 से लेकर 5.4 से लेकर दोस्तों 14.8 ठीक है इस परसेंटेज में 5.4 से लेकर दोस्तों ठीक है और अप्रॉक्स आप 5 से लेकर 15 भी बोल सकते हैं ठीक है यानी दोस्तों 5 से लेकर 15 परसेंटेज तक जो मिथेन होगा अगर वो एयर में एक्जिस्ट करेगा एयर मिक्सचर में तब वो दोस्तों एक्सप्लोसिव फॉर्म करेगा एक्सप्लोसिव मिक्सचर फॉर्म करेगा ठीक है तो इसका आंसर होगा 5.4 से 14.8 या या एप्रोक्स 5 टू 15 ठीक है या एप्रोक्स 5 से लेकर 5 टू 15 ठीक है 5 टू 15 ये रेशियो होना चाहिए नेक्स्ट दोस्तों अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर तो दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका आंसर आपको कमेंट करना है ठीक है जो uh, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर आपको बता दूंगा अगले एमसीक्यू वाले वीडियो में तो ये जो क्वेश्चन है द डिले बिटवीन इग्निशन एंड सोर्स ऑफ हीट इज नोन एज ठीक है इग्निशन और सोर्स ऑफ हीट के बीच के जो डिले होता है उसको हम क्या बोलते हैं तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आप कमेंट कमेंट में आंसर कर सकते हैं ठीक है तो ये था दोस्तों आज का वीडियो आई होप आपका आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए